पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। सभी दवा और जड़ी बूटियां श्री कृष्ण पर बेअसर हो रही थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को एक बात बताई थी, जिसे सुनकर गोपियां चकित हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणा अमृत पिलाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जो उनके परम भक्त या जो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसके पाप को धोने वाले जल को ग्रहण करने से वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी ओर गोपियों को इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। गोपियों के मन में बार बार आ रहा था कि अगर उन्होंने अपने पाप का चरणा अमृत श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य कर देंगी, लेकिन अगर कान्हा ठीक नहीं हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। तभी इस दौरान वहां राधा रानी आ जाती है। श्री कृष्ण की हालत देखकर वह गोपियों से उपाय पूछती हैं, तो गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया उपाय बता देती है। राधा जी फौरन पाव धोकर उसका चंद्रा अमृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ जाती है। राधा यह अच्छी तरह से जानती थी कि वह क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, वही भय राधा को भी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नर्क जाने के लिए भी तैयार थी, जिसके बाद राधा जी ने अपने पाव का चरणा अमृत श्री कृष्ण को दिया और कृष्ण जी ने वह चंद्रा अमृत ग्रहण कर लिया, जिसके बाद वह स्वस्थ हो गए। राधा ही वह थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। राधे राधे।